रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यस बैंक के ग्राहकों के लिए 50,000 रुपए निकासी की सीमा तय की है। जानकारी के मुताबिक आरबीआई का ये आदेश अगले एक महीने के लिए है। अगर आसान भाषा में समझे तो यस बैंक के ग्राहक एक महीने तक सिर्फ 50,000 रुपए ही अपने खाते से निकाल सकेंगे। इसके अलावा पूर्व एसबीआई सीएफओ प्रशांत कुमार को यस बैंक का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने यह कार्रवाई बैंक के आर्थिक हालत को देखते हुए की है। बता दें कि यस बैंक बीते कुछ समय से फंड जुटाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इससे पहले गुरुवार को यह खबर आई थी कि सरकार ने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई को यस बैंक में हिस्सेदारी खरीदने के लिए कहा है। करीब 15 साल पहले शुरू हुए यस बैंक की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। बैंक पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है तो वहीं शेयर भी टूट रहा है। यस बैंक की बदहाली इतनी बढ़ गई है कि सिर्फ 15 महीने के भीतर बैंक के निवेशकों को 90% से अधिक का नुकसान हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगस्त 2018 में यस बैंक का जो शेयर 400 रुपये से अधिक के भाव पर बिक रहा था वो आज लुढ़क कर 30 रुपये से भी नीचे आ गया है। वहीं सितंबर 2018 में यस बैंक का मार्केट कैप करीब 80,000 करोड़ रुपए था जो अब 9,000 करोड़ के स्तर पर आ गया। इस हिसाब से बैंक के मार्केट कैप में 70,000 करोड़ से भी ज्यादा की कमी आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यस बैंक के ग्राहकों के लिए 50,000 रुपए की निकासी सीमा तय की। आरबीआई ने यह कार्रवाई बैंक के आर्थिक हालात को देखते हुए की है। वहीं इसकी सूचना आते ही यस बैंक के ग्राहकों में बेचैनी बढ़ गई। ग्राहकों को इस बात का डर सता रहा है कि बैंक में जमा इनकी गाढ़ी कमाई डूब सकती है। यस बैंक के ग्राहक जल्द से जल्द अपना पैसा निकालने में जुट गए। गुरुवार देर रात यस बैंक के एटीएम में लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान यस बैंक की नेट बैंकिंग और एटीएम सेवा भी बंद हो गई। इससे यस बैंक के खाता धारकों की चिंता और बढ़ गई। गुरुवार रात राजस्थान के जयपुर और महाराष्ट्र के मुंबई समेत कई इलाकों में यस बैंक के एटीएम में पैसा निकालने वालों की भीड़ देखने को मिली। आधी रात को लोग पैसा निकालने के लिए बैंक के एटीएम के बाहर कतार में लग गए। मुंबई में एटीएम भी रातों रात खाली हो गए। मुंबई में एटीएम में भीड़ बढ़ने पर पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया। दरअसल आरबीआई ने यस बैंक के ग्राहकों के लिए 50,000 रुपए की निकासी सीमा तय की है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की बुधवार को जारी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में फैली हिंसा एक तरफा और सुनियोजित थी। इसमें सबसे अधिक नुकसान मुस्लिम समुदाय के लोगों के घरों और दुकानों को हुआ है। आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया कि खजूरी खास इलाके में रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि भाजपा नेता कपिल मिश्रा के 23 फरवरी को दिए गए भाषण के बाद यहां हिंसा भड़क उठी। इस रिपोर्ट के संबंध में कपिल मिश्रा से फोन और मैसेज कर पक्ष जानने की कोशिश की गई लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिल पाया। दो पेज की रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा के दौरान अधिक से अधिक क्षति पहुंचाने के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया। उपद्रवियों ने जिस भी मकान और दुकान को आग के हवाले किया उसमें इस दौरान लूटपाट भी की गई। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रिपोर्ट में हिंसा के दौरान पुलिस की भूमिका की प्रशंसा की गई है। मूवी की तर्ज पर सरेंडर करने से पहले राउज एवेन्यू कोर्ट से ताहिर हुसैन को गिरफ्तार करने वाली क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने करीब 5 घंटों तक पूछताछ की। इस पूछताछ में ताहिर से 20 सवाल किए गए। उसे पूछा गया कि घटना के समय वो कहाँ था, वीडियो में उसके साथ जो नजर आ रहे हैं वो लोग कौन हैं, बिल्डिंग में मौजूद दंगाई क्या उसके जानकार हैं, क्या वो उसके कहने और उकसाने पर वहां पहुंचे थे, फरार होने के बाद वो कहां कहां रहा, पुलिस से छिपने में उसकी किस किसने मदद की, क्या इस दंगे को किसी साजिश के तहत अंजाम दिया गया था। इस तरह के कई सवाल ताहिर के सामने दागे गए। वहीं एसआईटी सूत्रों की माने तो चांदबाग में जिस तरह बड़े स्तर पर दंगे हुए उससे लगता है कि इसके पीछे बड़ी साजिश थी और इसकी प्लानिंग काफी समय से की जा रही थी। इस बात की जांच के लिए क्राइम ब्रांच की टीम ताहिर से लगातार पूछताछ कर रही है। एसआईटी उससे हर एक सच उगलवाएगी। ताहिर पर अंकित की हत्या करवाने के अलावा और भी कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ताहिर से जानने में जुटी है। वहीं बता दें कि गिरफ्तारी से पहले सफाई देते हुए ताहिर ने कहा था कि वो कहीं नहीं भागा बल्कि दिल्ली में ही था। वो कानूनी तौर पर आगे की तैयारी कर रहा था। राजधानी दिल्ली में गुरुवार शाम झमाझम बारिश शुरू हुई जो रात भर जारी रही। इससे पहले 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश, आंधी और ओले गिरने की चेतावनी दी थी। गुरुवार रात भी शहर के कई इलाकों में बारिश हुई जिसकी वजह से अधिकतम तापमान में कमी आई।
पश्चिमी विक्षोभ का असर दिल्ली NCR समेत देश के कई राज्यों में देखने को मिला। इसी का परिणाम है कि पहले बारिश और अब ठंड बढ़ गई है। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब के कई इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी हुई है, जिसका सीधा असर नीचे के मैदानी इलाकों पर पड़ा है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 1.5 सेंटीमीटर व्यास के ओलों के कारण दलहनी और तिलहनी फसलों को नुकसान पहुंचा है, जबकि नवंबर में बोई गई गेहूं की फसल तथा आम की फसल ओलावृष्टि से तहस नहस हो गई। बारिश और ओलावृष्टि से सब्जियों को व्यापक नुकसान हुआ है, जिससे आने वाले कुछ दिनों तक सब्जियों के दाम बढ़ने की संभावना है।